आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नई और बहुत ही लाजवाब रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, टेस्टी है, हेल्दी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने ये पनीर ले लिया है। तो तकरीबन ये 100 से 150 ग्राम पनीर है, इस तरह से क्यूब में कट करके ले लिया है। दूसरी तरफ ले लिया है मैंने एक बॉल, उसमें 2 चम्मच ले लिया है टमाटर केचप, और 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, और 1/4 चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारे मसाले केचप के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस तरह से एक पनीर का पीस लेंगे और अच्छे से इस पर कोटिंग कर लेंगे इन मसालों की। तो ये देखिए मैंने सब तरफ से अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब ये ले लिया है एक पालक का पत्ता, तो इस तरह से अच्छे से वॉश करके ले लिया है मैंने एक पालक का पत्ता। इस पर हम ये पीस रखेंगे पनीर का और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पर एक टूथपिक लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सारे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। देखिए अच्छे से सेट हो गए सारे पत्ते पनीर के साथ। अब एक बॉल में 1/2 कप हम बेसन ले लेंगे, 2 चम्मच के बराबर डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, वो थोड़ा सा डालेंगे नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे दरदरा कुटा हुआ धनिया, और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें कुटा हुआ सौंफ, और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें साबुत जीरा, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे हम इसमें पानी, बस अब हमें इसका बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का बैटर चाहिए हमें। अब मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब एक एक जो हमने रोल करके रखा था ना पालक का पत्ता और पनीर, उसको इस तरह से बेलसर में अच्छे से कोट कर लेंगे और बस इसमें ऑयल में डालते जाएंगे। तो अच्छे से सब तरफ से हम पकड़ गए इसे कोट करके, और इसी तरह से सारे पत्तों को डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने 4 से 5 डाल दिए हैं। अब जैसे ही इन पर कलर आने लगेगा हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए इन पर कलर आने लगा है तो हम साइड को चेंज करते जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे पकोड़े पालक पनीर के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं हमारे, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम पनीर है तो सॉफ्ट है, बहुत ही लाजवाब बनकर ये तैयार होते हैं। ये देखिए पनीर अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हो जाते हैं ये, और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। बिल्कुल 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है।